प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर है। दरअसल आपको बता दें कि नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर अब सियासत गर्मा चुकी है। 28 मई के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं, लेकिन विपक्षी दलों का यही मानना है कि इस संसद भवन का उद्घाटन देश के प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ही करना चाहिए। दूसरी ही तरफ यहाँ पर ये बातें कही जा रही हैं कि उन्हें आमंत्रण तक नहीं भेजा गया है। हालांकि खबरें ये भी सामने आई हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बधाई संदेश देती हुई देखी जाएंगी उस दिन। लेकिन ऐसे में नए संसद भवन के उद्घाटन का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल हुए एक जनहित याचिका में मांग की गई है कि संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों से ही होना चाहिए। कहा यह गया है कि राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह से बाहर करके सरकार ने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का सम्मान नहीं किया जा रहा है और इसमें मांग की गई है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाना चाहिए। तकरीबन 19 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिन्होंने बहिष्कार किया है कार्यक्रम का। जी हाँ, यहाँ पर साफ तौर पर वह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वह इस कार्यक्रम का हिस्सा तक नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे में देखा जाए तो देश के पीएम इस वक्त आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर तमाम दलों का उन्हें समर्थन भी मिल चुका है। जहाँ एक तरफ कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी के साथ साथ तकरीबन 19 दल ऐसे हैं जो यहाँ पर बहिष्कार करते हुए देखे जा रहे हैं, वे उद्घाटन समारोह में शामिल तक नहीं होंगे। लेकिन कई दलों ने समारोह के लिए आमंत्रण पत्र को स्वीकार भी कर लिया है, जिनमें से एक है बीजू जनता दल। जी हाँ, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल इस समारोह में शामिल होगी और पार्टी ने बयान जारी किया कि इन मुद्दों पर अगस्त में सदन की बैठक में बहस की जा सकती है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी है। जी हाँ, आपको जानकारी दे दें, इस पार्टी के नेता और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने लिखा कि भव्य आलिशान और विशाल संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करने के लिए मैं प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। लोकतंत्र का मंदिर होने के नाते संसद हमारे देश की आत्मा को दर्शाती है। वही है यहां पर श्रोमणि अकाली दल। जी हाँ, इस दल के नेता सुखबीर सिंह बादल उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे और इस बात की जानकारी दी पार्टी के नेता दलजीत सिंह चीमा ने। का कहना रहा कि भारत को एक नई संसद मिलना देश के लिए गर्व का पल है, हम नहीं चाहते कि इस समय कोई राजनीति हो। वहीं इनमें तमाम ऐसे दल हैं जो शामिल होने वाले हैं, तेलुगु देशम पार्टी, शिवसेना से शिंदे गुट, ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक मुनेत्र कड़गम, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, वहीं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, मिजो नेशनल फ्रंट, जननायक जनता पार्टी, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, अपना दल, इंडिया मक्कल कलवी मुनेत्र कड़गम और तमिल मनीला कांग्रेस। इसके अलावा यहाँ पर सामने आया है कि बहुजन समाज पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी भी शामिल हो सकते हैं। अब देखते हैं कि आखिरकार देश के प्रधानमंत्री को क्या वाकई में और भी तमाम दलों का समर्थन मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बार बार उन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर कितना सहमत है? क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री को इस नए संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए या फिर राष्ट्रपति को? ये आप कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।